सलमान खान की सुरक्षा हुई अब और भी कड़ी। मुंबई पुलिस ने दिया सलमान खान को बंदूक का लाइसेंस। अपनी गाड़ी को पहले ही अपग्रेड करवा चुके हैं सलमान, अब सिर्फ बुलेट प्रूफ कार में सवार होंगे मिस्टर खान। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीते दिनों सलमान की सिक्योरिटी चर्चा का मुद्दा बन गई थी, जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या के बाद सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। इस धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। वही लॉरेंस बिश्नोई जो काला हिरण शिकार मामले में पहले ही सलमान खान को धमकी दे चुका है। ऐसे में जब बीते दिनों सलमान खान के पिता सलीम खान को मॉर्निंग वॉक के दौरान एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें सलमान खान का हश्र भी सिद्धू मूसेवाला की तरह किए जाने की बात लिखी थी, तो मानो हड़कंप मच गया था। वहीं बीते दिनों ये खबरें भी आई थी कि अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित सलमान खान ने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मुंबई पुलिस के सामने आर्म्स लाइसेंस देने की अर्जी डाली थी। और अब बड़ा अपडेट ये है कि सलमान की ये गुजारिश मुंबई पुलिस ने मंजूर कर ली है। जी हाँ, सलमान खान को मुंबई पुलिस की तरफ से आर्म्स लाइसेंस मिल गया है, यानी अपनी सुरक्षा को लेकर सलमान की जो चिंता बढ़ी हुई थी उसमें उन्हें राहत इस बात से मिली है कि अब उनके पास बंदूक रखने का लाइसेंस है। बता दें कि जान से मारने की धमकी मिलने के बाद से सलमान अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे। पहले से ही पर्सनल बॉडीगार्ड्स के सुरक्षा घेरे में घूमने वाले सलमान ने अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करवा लिया है। बताया जा रहा है कि सलमान ने अपनी कार को भी अपग्रेड किया है। सलमान अब सिर्फ अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी से चलेंगे, जो कि बुलेट प्रूफ है। बताया जा रहा है कि एक्टर ने अपनी कार में आर्मर भी लगवाया है और गाड़ी में बुलेट प्रूफ ग्लास भी लगवाए हैं। हालांकि उनकी लैंड क्रूजर गाड़ी का ये नया वर्जन नहीं है। बता दें कि बीते दिनों जब सलमान खान को धमकी मिलने की बात सामने आई थी, तब पूरी मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई थी। मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। अब सलमान के साथ उनके बॉडीगार्ड्स के अलावा पुलिस के दो अतिरिक्त जवान भी साथ चलते हैं। सलमान खान की बिल्डिंग गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बीते दिनों सलमान जब अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग के लिए हैदराबाद गए थे, तब वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ गए थे। एक्टर के वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान के पास कई बड़े बजट की फिल्में हैं। फिलहाल वो अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग निपटाने में लगे हैं। उनकी फिल्म टाइगर 3 अगले साल रिलीज होगी। फिलहाल फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चल रहा है। फिल्म में उनके अपोजिट कैटरीना कैफ नजर आएंगी। इसके अलावा सलमान शाहरुख खान की फिल्म पठान में भी कैमियो रोल में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।